नमस्कार फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपका ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल का जो वायरिंग होता है उसके बारे में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिम कंपनी का APFC रिले है, ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है, और इसका बैक साइड का व्यू दिखाता हूँ, इसमें किस टाइप के वायरिंग होती है, और फिर इस वायरिंग को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका बैक साइड देखिए, जो भी रिले आता है, जो भी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रहता है, उस कंट्रोल में बैक साइड ऐसा रिले दिया रहता है। तो इस रिले को देखकर ही हम इसका वायरिंग डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका L1, L2, L3 आपका 3 बस बार और न्यूट्रल आपका 3 बस बार दिखा रहे हैं। तो ये मैं पेंसिल से आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपके L1, L2, L3 और ये न्यूट्रल, ये मेन बस बार है, ठीक है। और ये हमारे जो कंट्रोलर, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये कंट्रोलर का वायरिंग का है। तो देखिए, आपका जो फेस है, यहाँ पे L1 और L2 लिखा है, जो कि L1 और L2 सप्लाई से लिया गया है, ठीक है। और वैसे जो इसमें जो मेन कंट्रोलिंग का है, वो आपका कौन से फेस लिया गया, तीसरे फेस से लिया गया, मतलब L3 से लिया गया। तो L3 फेस देखिए कॉमन गया है ये, और देखते हैं CT किस में लिया है, CT आपका L3 में लिया गया है, ठीक है। और ठीक है, तो तीन चीज़ें मेन रहती है इसमें देखने के लिए। एक तो ये देखना पड़ता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई L1 L2 जो लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है। तो शुरू के जो L1 और L2, ये R और Y फेस है, वहाँ से लिया है। कंट्रोल सप्लाई कहाँ से लिया है, ये देखते हैं, आपका L3 से लिया गया है। और CT कहाँ पे लगाया है, आपका L3 में लगाया गया है। तो ये 3 पॉइंट आपको देखना रहता है इसके वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए। तो मैंने पहले से वायरिंग डायग्राम बना के रखा हूँ, और मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से इसकी वायरिंग होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 3 फेज सप्लाई लिया, L1, L2, L3 और ये न्यूट्रल दिया, ठीक है। कंट्रोलिंग कहाँ से लिए थे, हमने L3 से लिया था। तो देखिए, मैंने एक L3 से कंट्रोलिंग कंट्रोल सप्लाई लिया, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल MCB दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक सेलेक्टर स्विच है, जो कि ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैनुअल की वायरिंग करते हैं, मैनुअल में इसकी वायरिंग कैसी होती है। तो मैनुअल में वायरिंग कैसा रहता है कि सबसे पहले जो स्टॉप बटन आपको, अगर मैनुअल में किसी पावर फैक्टर रिले, पावर फैक्टर या कैपेसिटर बैंक को चालू बंद करना है, उसके लिए आपका स्टॉप पुश बटन दिया रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टॉप पुश बटन दिया है, ये आपका NC रहता है। और इसके बाद में स्टार्ट पुश बटन दिया रहता है, जो कि NO रहता है। तो ये आपका स्टार्ट पुश बटन है, ठीक है। और इसके बाद आपको जो कॉन्टेक्टर के कॉइल है, उसमें सप्लाई चले जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेज का हुआ। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, तो सेकेंड स्टेज में भी सेम रहेगा। आपको मैनुअल से आप एक सप्लाई लीजिए, उसमें एक स्टॉप पुश बटन में सप्लाई दीजिए, वहाँ से जो भी सप्लाई निकलेगा वो स्टार्ट पुश बटन में जाएगा, और वहाँ से जो निकलेगा किस में चले जाएगा, ये आपका सेकेंड जो कॉन्टेक्टर है उसमें चले जाएगा, ठीक है। होल्डिंग के लिए देखिए मैंने क्या किया है, जैसे आपको ड्यूल स्टार्टर में होल्डिंग होती है, उसी प्रकार से होल्डिंग के लिए मैंने स्टॉप पुश बटन के नीचे वाला जो पॉइंट है, वहाँ से मैंने एक वायर लिया, और जो मेन कॉन्टेक्टर है K1, जो कॉन्टेक्टर है K1 कॉन्टेक्टर का, ये NO है, NO से NO में डाल के उसके सेकेंड पॉइंट्स को वापस मैंने कॉइल पे जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से इसका होल्डिंग हो जाता है, ठीक है। अब इसका ऑटो का देखते हैं कि ऑटो में किस प्रकार से वायरिंग होती है। तो देखिए, सेलेक्टर स्विच का सेकेंड पॉइंट आपका ऑटो वाला है, ठीक है। ऑटो से जो सप्लाई आएगी, वो आपको जो रिले है, आपको जो हमने रिले यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, इस रिले में देखिए यहाँ पे एक कॉमन लिखा हुआ है, आपका ये वाला जो पॉइंट है ये कॉमन लिखा हुआ है। तो रिले में सप्लाई वहाँ चला जाएगा, आपका ऑटो से सप्लाई किस में चला जाएगा, ये कॉमन में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने सेम वैसे यहाँ पे किया हुआ है, मैंने ऑटो से एक सप्लाई लिया, और देखिए आपको ये जो रिले का कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसके कॉमन में दे दिया। उसके बाद में C1, C2, C3 जितने चैनल का जो रिले रहता है, जैसे कि ये जो रिले मैं आपको दिखाया था, देखिए ये आपका HGF 8 लिखा हुआ है, मतलब 8 चैनल का रिले है, और इसमें 8 पॉइंट यहाँ पे दिया होगा, आपको पास में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो दिखा रहे हैं कॉमन दिखा रहे हैं, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का यहाँ पे रिले के NO पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रिले के NO पॉइंट कि जो फर्स्ट रिले का जो एनो पॉइंट है, जैसे ये कॉमन हुआ, उसके बाद C1, C2, C3, C8 दिया है। तो C1 से आप एक केबल निकालिए, और केबल निकाल के आपको जो फर्स्ट कॉन्टेक्टर है उसके कॉइल में डायरेक्ट सप्लाई दीजिए। उसी प्रकार से C2 से एक केबल निकालिए,
और के टू का जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके कॉइल में आप डायरेक्ट सप्लाई दे दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कॉन्टेक्टर की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। सेकंड देखते हैं इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई कैसे लिया गया है। इसमें जो ऑक्सिलरी सप्लाई रहता है L1 L2 मैंने कैसे लिया है, जो फेस आर वाई बी और न्यूट्रल है या L1 L2 है उसके L1 और L2 से जोड़ दिया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने कंट्रोल L3 का लिया है तो ऑक्सिलरी सप्लाई L3 को छोड़ के जो अन्य दो है L1 और L2 को लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार सीटी की बात करते हैं, सीटी कहाँ पे लगाते हैं, सीटी जो लगाते हैं जो कंट्रोल सप्लाई लिए हैं आपने L3 उसी में आपने सीटी लगाए हुए हैं, तो सीटी से एक बार देते हैं। और देखिए यहाँ पे S2 S1 S1 दिया हुआ है, ठीक है। आपका रिले भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आपका रिले है जिसमें यहाँ पे S2 और S1 और S2 ऐसा लिखा हुआ है। तो एक तो कॉमन हो गया S2, और सेकंड S1 जो दो दिया है, तो रिले में रिले ये जो सीटी होता है ये तो वो 5/ होता है या 1 होता है, मतलब सेकेंडरी जो रहता है 1 रहता है या 5 रहता है। तो 1 और 5 के लिए दो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, जो भी अवेलेबल हो। अगर 5 वाला अगर अवेलेबल है तो 5 में लगाइए, और अगर 1 वाला अवेलेबल हो तो 1 में लगाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अगेन मैं बताना चाहूँगा कि जो सीटी के कनेक्शन होता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सीटी जो कनेक्शन होता है मेन ओनली जो मेन इनकमर सप्लाई होती है उसमें लगाई जाती है, और वहाँ से सीटी के वायर को लाके हम लोग इस रिले के जो पॉइंट है उसमें लगा देते हैं। इस प्रकार से यह वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसको ऑपरेट करके देखते हैं, ठीक है। मेन वन में कैसे ऑपरेट होगा, जैसे ही मैं सेलेक्टर स्विच के द्वारा मैंने सेलेक्ट किया, इस साइड सेलेक्ट किया, उसके बाद सप्लाई कहाँ तक आ जाएगी, ये कंट्रोल सप्लाई देखिए MCB चालू है, ये NC बटन है, उसके बाद मैनुअल में आ गए, मैनुअल में आया उसके बाद में देखिए ये भी NC बटन है, तो यहाँ तक सप्लाई आ गया। अब देखिए ये आपका NO है, तो इसको जैसे मैं प्रेस करूँगा ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा, ठीक है। और होल्डिंग के लिए देखिए अलग से मैंने सप्लाई दिया, आप इसको रिलीज करेंगे तो इधर से सप्लाई आपका कंटिन्यू इस कॉन्टेक्टर में चलता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये जो फर्स्ट बैंक है या फर्स्ट कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट हो जाएगा। अब इसी को ऑटो में देखते हैं, ऑटो में क्या होगा, मान लीजिए मैंने इधर सेलेक्ट कर दिया तो इधर का सप्लाई कट हो जाएगी। अब ये कॉमन में सप्लाई चला गया, अब C1 C2 C3 ये रिले सेंस करेगा, ये सिटी के द्वारा वो सेंस करेगा, और सेंस करके कौन से कैपेसिटर या कौन से बैंक को स्टार्ट करना है वो इधर से कमांड देगा। तो ये जितने भी आप एनो पॉइंट दिखा रहे हैं वो NC बन जाएगा रिक्वायरमेंट के अनुसार। इस प्रकार से एक APFC या ऑटोमेटिक पावर फेडर कंट्रोलर पैनल की वायरिंग होती है। फ्रेंड बेसिक जो वायरिंग होती है सेम होती है, आप कोई भी कंट्रोलर में देखेंगे तो उसमें थोड़ा 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 बहुत चेंजेस होती है, वो चेंजेस को आप समझ सकते हैं उसकी वायरिंग को देख के। इसी कारण मैं आप लोग को स्लिम का जो रिले था उसका मैंने कंट्रोलिंग भी दिखा दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, और मेरे इलेक्ट्रिकल गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।